नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जॉब न्यूज़ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ग्रेड व्याख्यात भर्ती की अभी की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, बड़ी खबर पाने से पहले अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में आपको बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलो चलते हैं कि आज की क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है फर्स्ट ग्रेड व्याख्यात भर्ती परीक्षा के बारे में। न्यूज आई है कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। उदयपुर व्याख्याता भर्ती परीक्षा को तिथि को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने शुक्रवार को कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 15 से 23 जनवरी तक प्रस्तावित है, जबकि बेरोजगार छात्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं व शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी की वजह से परीक्षा की तैयारी करने का समय नहीं मिल पाया। इन बच्चियों को चुनाव में ड्यूटी वे प्रतियोगी परीक्षाएं वे शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी की वजह से परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए। इसके चलते शुक्रवार को संभागीय अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष मान सिंह निनामा, शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष लक्ष्मीलाल गुर्जर के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर तिथि आगे बढ़वाने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। प्रदर्शन करने वालों में मनीष जोशी, अनिल जोशी, महेंद्र सिंह भारत, विपुल सिंह राजपुरोहित, गजेंद्र बिश्नोई सहित कई आवेदक उपस्थित थे और बाकी बच्चों ने आरपीएससी को ज्ञापन दिया है, उनको पत्र लिखा है। क्या पत्र लिखा है वो भी आपको बता दूं। व्याख्याता परीक्षा तिथि में बदलाव के लिए लिखा है पत्र। बड़ी संख्या में शिक्षकों के प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष चुनाव कार्यों में ड्यूटी विजय संघ के अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने मुख्यमंत्री व आरपीएससी चेयरमैन को पत्र भेजकर स्कूल व्याख्याता भर्ती तिथि में बदलाव की मांग की है। पत्र में बताया कि हाल ही में माह अक्टूबर में द्वितीय शिक्षण श्रेणी की शिक्षक परीक्षा में वे कुछ दिनों पूर्व नेट परीक्षा हुई थी। वे आगामी दिनों में आरपीएससी व एसएससी की अन्य परीक्षाएं भी प्रस्तावित है। इसके अलावा बड़ी संख्या में शिक्षकों के चुनाव कार्यों में ड्यूटी होने के कारण वे स्कूल व्याख्याता परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाई, जबकि जनवरी माह की दूसरे सप्ताह में उक्त परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। ऐसे में अभ्यर्थी परेशान में है। सिंह ने बताया कि पूरे राज्य में करीब 9 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में जुड़े हैं। अगर परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई जाती है तो छात्रों का इसका लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि उक्त मांग को लेकर गत दिनों राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के बाहर छात्रों का बड़ा आंदोलन भी जारी है। ये थी आज की सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर। तो अगर अभी भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में बेल आइकन दबाइए और लाइक